अगला क्वेश्चन है कि BTS का वो कौन सा सॉन्ग है जो आर्मी के दिल में बसता है? ओके तो हमें नंबर वन सॉन्ग गेस करना होगा ना? तो आपके सही आंसर पे आपको कुकीज मिलेंगी। हम आपको कुछ हिंट भी देंगे और नंबर टू सॉन्ग भी दिखाएंगे। डायनामाइट नंबर टू पर है। ठीक है, मैं समझ गया। स्प्रिंग डे बस में कौन आएगा? जिन क्या तुम डीएनए चूज करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हे जंगकुक, मैंने तो स्प्रिंग का लिखा है। भी सुनो, क्या तुम मेरे वाली बस में आओगे? सोच समझ के बस पे चढ़ना। मुझे भी बॉय विद लव लग रहा है। जेके मेरी बस में आओगे? हे बॉय विद लव वाली बस में आ जाओ। हे मैंने भी बॉय विद लव चूज किया है। ए, तुमने क्या बोर्ड के ऊपर बोर्ड बना के लिखा हुआ है यहाँ? हे मैं तो चूज किया है स्प्रिंग डे। क्रिसमस की बस जा रही है। गाइस, मैंने चूज किया है माइक्रो। है तुमने ऑन लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब है माइक्रो। हे मैंने कहा था ना, मैं BTS का तमाकू। मेरे भी 0 पॉइंट है। सुनो, अब तुम लोग क्या खा रहे हो? जो फिनर है उनको कुकीज मिली है। ये किस किस्म की कुकीज है? चंकुकी। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आर्मी का कंफर्ट जोन कौन सा है? ये वाला थोड़ा मुख्तलिफ होगा, इसे गेस करना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज आप हमें नंबर वन सॉन्ग दिखाइए। नंबर वन पे जो सॉन्ग है वो है मैजिक शॉप। और नंबर थ्री पे कौन सा सॉन्ग है? नंबर थ्री पे सॉन्ग है लाइफ गोज ऑन। ओह, मुझे लगा ये सेकंड नंबर पर होगा। तो अब आपको गेस करना होगा कि आर्मी या नंबर टू पे कौन सा सॉन्ग चूज किया है। हे चलो मेरे पास खुद ज्वाइन करो। जरूर माइक्रो कॉस्मोस हो सकता है। हे मेरी बात कान खोल के तुम लोग सुनो। देखो, बहुत सारे लोगों ने मैजिक शॉप चूज किया है क्योंकि वो एक फैन सॉन्ग है। तो आर्मी का कम्फर्ट सॉन्ग 2 या 3 हो सकता है। तुम लोग को यही चूज करना चाहिए और यही मेरा लॉजिक है। वी और मेरा जवाब है माइक्रोकॉस्मस। हे मेरा और वी का बिल्कुल सेम है। हम दोनों की बस निकल चुकी है 2 मुसाफिरों के साथ। एक मिनट रुको, मुझे चेंज करने दो। हे क्या मतलब, क्या ये माइक्रोकॉस्मस है? और यार मुझे भी माइक्रोकॉस्मस लग रहा है। मेरा जवाब भी माइक्रोकॉस्मस। हे नाम जो BTS का दिमाग है उसने भी यही चूज किया है। और यार मैंने भी डिसाइड नहीं किया। एक मिनट, जंकू का जवाब है लव माई सेल्फ आंसर। ठीक है, तो मेरा जवाब भी यही है। नहीं, मुझे खुद पे पूरा यकीन है। 3, 2, 1, go! शुक्र है कि मैंने लास्ट टाइम में चेंज कर लिया जवाब। मेरे दोस्तों को तो माइक्रोकॉस्मस बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्तों को तो वो तो ये वाला एपिसोड गर्मी में आएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि फायर कौन सी जगह पे आता है? आपको इसमें जगह को गेस करना होगा। मुझे लगता है कि सोवर्ट का रैंक बहुत हाई है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये चौथे नंबर पे आएगा। नहीं, मैं और कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, मुझसे मत पूछो। हे नामजून, मुझे तो लगता है कि ये 4 नंबर पे आने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि गर्मियों में ये बहुत हॉट हो जाएगा। हे वैरायटी शोज में तो हमारा ये सॉन्ग बहुत ज्यादा चलता है जबकि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। अरे यार, तुम लोग की लॉजिक तो मेरी समझ से बाहर है। नामजून तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? ये मेरा सीक्रेट है। हे ये कितना मतलबी इंसान है। मैंने सबसे अपनी बस शेयर की और ये कहता है इसका जवाब सीक्रेट है। मैंने इससे पूछा तुमने क्या लिखा है और इसने कहा इसका जवाब सीक्रेट है। बिल्कुल, मेरी क्लास में ऐसे ही मतलबी दोस्त होते थे। यार मुझे लगता है कि ये थर्ड या फिर सेकंड पर है। तुम
तुम चुप करो, ये फोन नंबर पर है, ओके? तो चलिए आप लोग हमें अपना जवाब दिखाइए। ना सामी। किसी ने भी फर्स्ट नहीं लिखा। तो सही जवाब है फोन नंबर। सामी पोस्टर। हाँ लगता है मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। वाओ, प्लीज हमें रामीन भी लाके दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्मी का बेस्ट समर सॉन्ग कौन सा है? मुझे लगता है ये जरूर डायनामाइट होगा। पहले नंबर पे कौन सा सॉन्ग है? हे तुम लोग बताओ, तुम लोग की बस जा रही है क्या? देखो मेरी तो सोवेट की बस निकलने वाली है। तुम लोगों में से कौन है जो मेरी बस को ज्वाइन करेगा? हाँ, कॉन्सर्ट में ये सॉन्ग बहुत ही रिफ्रेशिंग था। देखो मेरी बात सुनो, हम साथ में सोवाइट की बस में चलते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है? डायनामाइट। तो बताओ फिर डायनामाइट सुनने में कब अच्छा लगता है? इसका ये वाला डांस मूव जो हमारी जैकेट के करीब होता है। ओफी ने डायनामाइट चूज किया है। जरा जेहब को तो देखो। पहले सो वट, फिर सो वट, फिर डायनामाइट। सुनता सुनता सोचा। थ्री, टू, यो तो कुछ था। लो, इसने भी अपना जवाब चेंज कर दिया। यार, उसने पेशिंग किया। हे, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन तुमने धोखा दिया धोखेबाज। मैंने इस धोखेबाज से कहा भी था कि ये डायनामाइट होगा, लेकिन इसने मेरी नहीं मानी। आप लोगों ने कैसे सोचा कि ये डायनामाइट होगा? ये इसकी अपनी गलती है, इसने आखिरी वक्त पे आकर क्यों जॉब चेंज किया? चंद से जो टूटे कोई सपना।